ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओमज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम जिसके रचयिता स्वयं वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने समस्त वेद उपनिषद आरण्य ब्राह्मण पुराण इतिहास यहाँ तक कि पंचम वेद महाभारत की रचना करने के पश्चात भी नारद मुनि को कहा कि उन्हें प्रसन्न चित्तता का अनुभव नहीं हो रहा है। और नारद मुनि ने उनसे कहा कि आपने इस संपूर्ण ज्ञान की श्रृंखला में जो अमल पुराण है जिसमें निस्तृत भाव से भगवान की स्तुति भगवान की प्रशंसा भक्तों के चरितार्थ को वर्णन करना था वो रह गया है, कृपया श्रीमद् भागवतम का ये रचना कीजिए और इसका प्रचार प्रसार आगे गुरु शिष्य परंपरा में स्थापित कीजिए। तो यहाँ हम सभी स्कंद 3 अध्याय 22 के श्रवण पठन के लिए आज के सत्र में एकत्र हुए हैं। ये अब तक हमारा 169th सेशन है और अध्याय 22 जिसका ये संभवतः तीसरा चरण है, तीसरा सत्र है। हम यहाँ पर कर्दम मुनि और देवहूति माता देवहूति के विवाह का परिणय का विषय शील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रवण पठन करने का प्रयास करें। ये गंभीर विषय है, ये प्रसन्न चित्तता का विषय है। श्रीमद् भागवतम के संपूर्ण अध्ययन के पश्चात सही स्रोत से सही मार्गदर्शन से अध्ययन करने के पश्चात यदि हमें सब कुछ स्मरण ना भी रहे तो भी हमारे मन मस्तिष्क को हमारी प्रज्ञा चक्षु को इतनी जानकारी अवश्य उपलब्ध हो जाएगी कि जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्रीमद् भागवतम में नहीं लिखा हुआ है। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए अध्याय 22 में अभी तक हमने जिन विषयों का श्रवण किया है विषय सूची के अनुसार श्लोक संख्या 1 से लेकर 7 तक मनु द्वारा कर्दम मुनि की प्रशंसा, क्योंकि अध्याय 21 के उत्तरार्ध में हमने देखा था कर्दम मुनि द्वारा मनु की प्रशंसा की गई थी। तो सच्चरितों का सद्भक्तों का सत्संगति का प्रभाव ये होता है कि अतिथि और यजमान परस्पर मिलने वाले आगंतुक और जो अभ्यर्थना जो स्वागत कर रहे हैं दोनों एक दूसरे का परस्पर सम्मान करते हैं। तो इस श्लोक संख्या 1 से लेकर 7 तक मनु द्वारा कर्दम मुनि की प्रशंसा हुई है। तत्पश्चात 8 से 14 तक मनु द्वारा देवहूति को स्वीकार करने की प्रार्थना है। तो स्वयं वो मनु ने यहाँ पर कारण स्पष्ट किया था
कि देवती ने नारद मुनि से आपके रूप गुणशील के बारे में सुनने के पश्चात अपनी संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति के एकनिष्ठ ध्येय से आपको स्वीकार किया है। पुत्री के स्नेहवश क्योंकि उसके द्वारा ये चुनाव किया गया है, मैं उसकी इच्छा में सहभागिता करते हुए यहाँ अपनी पत्नी के साथ आपको देवती को प्रदान करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, कृपया उसे स्वीकार करें। और श्लोक संख्या 15 से लेकर 20 तक कर्दम मुनि, जिनके बारे में स्वयं मनु ने श्लोक संख्या 1 से 7 तक कहा था कि वो अष्टांग योग के निष्णात स्वयं ब्रह्मा के मुखारविंद से उनकी भगवान की शक्ति के तेज से प्रकट हुए अग्रगणी पुत्रों में आते हैं और उनकी आध्यात्मिक चेतना और प्रज्ञा को कर्दम मुनि कहते हैं कि स्वयं वो मनु कहते हैं कर्दम मुनि को कि मैं आप उसके आगे नतमस्तक हूँ। वो कर्दम मुनि पूरी गंभीरता के साथ देवहूति के गुणों की प्रशंसा करते हुए देवहूति को स्वीकार करने की सहमति देते हैं। तो हम लोग श्लोक संख्या 21 से लेकर 27 तक जहाँ कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह हो रहा है वहां उस विषय पर थे। हमने श्लोक संख्या 25 तक इस विषय को श्रवण किया था। देवहूति के रूप में हमें स्त्री समाज हमारे सनातन धर्म में किस प्रकार परिभाषित हुआ है, आचार्यों ने करणीय और अकरणीय का स्त्री और पुरुष के लिए गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक कर्तव्यों के लिए देवहूति किस प्रकार सनातन स्त्री को प्रतिबिंबित करती है, विश्व सम्राट स्वयंभू मनु की पुत्री उत्तानपाद और प्रियव्रत की बहन के रूप में उनका परिचय, अगर किसी को किसी भी प्रकार से लगे कि ये उनका सांकेतिक परिचय है तो उनका वास्तविक परिचय ये था कि वो कर्दम ऋषि जैसे महान ऋषि जो अष्टांग योग जिन्होंने ब्रह्म परमेश्वर और भगवान जो तीन विधि होती है भगवान को देखने की समझने की सुनने की उसमें योग्यता प्राप्त की हुई है और उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की थी कि मुझे समान शीलवती स्त्री चाहिए पत्नी के रूप में और स्वयं वो मनु ने परिचय कराया था कि समान शीलवती समान गुणों वाली और गृहस्थ कार्यों में निष्णात है। गृहस्थ हमारे यहाँ 4 वर्णों में एक आवश्यक वर्ण है, आश्रम है हमारा 4 आश्रमों में और गृहस्थ एकमात्र ऐसा आश्रम है जिससे ब्रह्मचर्य संन्यास और वानप्रस्थ तीनों की आवश्यक जो सांसारिक आपूर्ति है उसके लिए गृहस्थ से उसको नियमित संचालित करने के लिए कुछ हद तक संयमित इंद्रिय भोग करने की भी आज्ञा दी गई है। तो ये कोई रूढ़िवादिता, ये कोई परंपरागत, ये कोई पुरानी पद्धति, ये कोई किसी प्रकार का अनावश्यक बोझ नहीं है। गृहस्थ एक बहुत ही सम्माननीय व्यवस्था है हमारे शास्त्रों की और जैसे किसी व्यक्ति के कारण किसी परिस्थिति के कारण कोई स्थान पूजित होता है वैसे देवहूति जैसी नारियों के कारण गृहस्थ की गरिमा द्विगुणित बहुगुणित हो जाती है। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 26 से आज का सत्र हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही विनम्र अनुरोध है आप सभी से जिनके पास भी पुस्तक है पुस्तक का प्रयोग करें, पुस्तक में लिखे हुए संस्कृत के श्लोकों का वाचन करें। उस वाचन को करने के पश्चात आपको अपने मस्तिष्क में जैसे एक निश्चित थकान के अंतराल पर हमें चाहिए होता है कुछ रिफ्रेशमेंट, कुछ ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधियां जिससे हमारी ऊर्जा चेतना वापस लौटाए। संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण यदि आप ध्यान पूर्वक करेंगे तो वो बिल्कुल वैसी है, कितना भी थका हुआ मस्तिष्क हो संस्कृत की सुस्वर ध्वनि को सुनकर, क्योंकि वो आत्मा से संबद्ध है, पूरा शरीर झंकृत हो जाता है, आपको इसका अनुभव होने लगेगा। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इन श्लोकों का वाचन जहां से भी सुन रहे हो वहां से करने का प्रयास करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोकों को दिखा भी रही हूँ। तो हम आरंभ करेंगे एक एक श्लोक का वाचन करके, एक एक अनुवाद को पढ़ते हुए श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों में से सारग्राही बिंदुओं को स्वीकार करते हुए सत्र को आगे समझने का। तो आरंभ करते हैं स्कंद 3 अध्याय 22 श्लोक संख्या 26 से। आमन्त्रयतं मुनिवरं अनुज्ञात सहानुग प्रतस्थिरथमारुह्य सभार्य स्वपुरं नृप उभयो ऋषि कुल्याय सरस्वत्या सुरबोधशो ऋषीणामुपशान्तानां पश्यन्नाश्रमसम्पद।
तब महर्षि से आज्ञा लेते हुए और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ में सवार हुआ और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़ा। रास्ते भर वे साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती नदी के दोनों ओर सुहावने तटों पर उनके शांत एवं सुंदर आश्रमों की समृद्धि को देखते रहे। तो ये यहाँ पर स्वयंभू मनु के लिए परिचय दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले के श्लोक में, श्लोक संख्या 25 में लिखा हुआ था कि सम्राट अपनी पुत्री के वियोग को सह ना सके। तो एक मिनट का समय लेकर हम इस श्लोक को भी देख लेंगे, तब हमें श्लोक 26 और 27 को संबद्ध करने में आसानी रहेगी। अशक्नुवन् तत विरहम् मुञ्चन् बाष्पकलां मुहुः आशिञ्च तं भवत्सेति नेत्रोदयदुहितोषिका। सम्राट अपनी पुत्री के वियोग को न सह सके, अतः उनके नेत्रों से बारंबार अश्रु झड़ने लगे और उनकी पुत्री का सिर भीग गया। वे विलप पड़े, मेरी माता, मेरी प्यारी बेटी। तो कॉन्टेक्स्ट ये यहाँ पर संबंध ये रखने के लिए कि स्वयंभू मनु जैसा विश्व सम्राट, जिन्होंने अपनी पुत्री को बाह्य लौकिक भौतिक दृष्टि से अकिंचन दिखने वाले साधु को, विश्व सम्राट ने अपनी राजकुमारी पुत्री को उसकी इच्छा से अकिंचन से दिखने वाले कर्दम मुनि को अकिंचन से ये दिख रहे हैं। पर अगले अध्याय में हमें ये भी पता चलेगा कर्दम मुनि के बारे में कि अपनी योग सिद्धि से वो कितने वैभव युक्त महल और विमान और देवती की प्रसन्नता के लिए अनेकों प्रकार के मनोरंजक साधनों को प्रस्तुत करेंगे, वो अगले अध्याय में आएगा। पर यहाँ पर वर्णन के लिए स्वयंभू मनु पिता है और संस्कृति की दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से, सनातन धर्म की असीम करुणामयी दृष्टि से, संबंधों की वरीयता को जो महत्व दिया गया है हमारे हमारे जीवन में, उसका परिचायक है स्वयंभू मनु। यहाँ स्वयं को ना संभाल सके और पुत्री को कर्दम मुनि के आश्रम में छोड़ते हुए उन्हें प्रसन्नता भी थी, उन्हें शोक भी था। शोक था पुत्री से वियोग का, प्रसन्नता था कि पुत्री के गुणों के अनुकूल वर का चुनाव हुआ है। श्री प्रभुपाद ने जब पश्चिम में प्रचार प्रसार करने के अपने अभियान पर उन्होंने कदम बढ़ाए थे, तो उन्होंने एक ही पंक्ति कही थी, पूर्व की संस्कृति और पश्चिम की संपन्नता, विलासिता, वैभव यदि मिल जाए तो पूरा जगत कृष्णमय हो जाएगा। भगवान 6 ऐश्वर्यों के स्वामी है, सबसे बड़ी, सब समृद्धि के स्रोत है वो, धन के स्रोत है वो, ज्ञान के स्रोत है वो, बल के, वैराग्य के, सामर्थ्य के स्रोत है वो, सबके स्रोत हैं। तो धरती पर जो कुछ भी भगवान की सेवा में अर्पित होना चाहिए वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। और श्री प्रभुपाद ने कहा पूर्व का अर्थात भारत, प्राच्य ज्ञान और अमेरिका, यूरोप, इन देशों का जो तत्कालीन समय का भौतिक विलासिता का, समृद्धि का माहौल था, वातावरण था, उन्होंने कहा यदि ये दोनों मिल जाए तो पूरे जगत को कृष्णमय चेतना से अप्लावित होने को कोई नहीं रोक सकता। उसी प्रकार यहाँ पर अत्यंत रूपवती, गुणवती, शीलवती देवती, स्वयं ब्रह्मा द्वारा नियुक्त किए गए प्रजापति कर्दम ऋषि आध्यात्मिकता के मानदंड कहे जा सकते हैं, भक्ति के एक पिलर जिसे हम कहते हैं कि एक अपने आप में स्तंभ है। इनका मिलन सभी प्रकार से सुयोग्य था, सर्वश्रेष्ठ था, पर सम्मानीय संवेदनाओं के अंतर्गत व्यक्त किया गया यहाँ पर कि कर्दम मुनि को अपनी पुत्री देने के पश्चात स्वयंभू मनु अपने आप को अश्रुपूरित होने से ना रोक सके। और उसके पश्चात जहां हम अभी आज के श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं, श्लोक संख्या 26 और 27, सरस्वती नदी, क्योंकि सरस्वती नदी के बीच में वहां पर वर्णन आया है बिंदु सरोवर है। तो जब महाराज स्वयंभू मनु का रथ वापस जा रहा है तो सरस्वती नदी के दोनों तट पर देखते हुए जा रहे थे कैसे आश्रम, भव्य भव्य आश्रम, ऋषि कुल थे और साधु सदृश व्यक्ति वहां पर रहा करते थे। तो उन आश्रमों की शांति, उन आश्रमों की समृद्धि आज भी भारत में अभी भी प्रचुरता में है, ऐसी कोई संख्या में कमी नहीं है। पर तब स्थान की गरिमा और अधिक थी क्योंकि वहां पर रहने वाले व्यक्तियों का आचरण भी उस स्थान के अनुकूल था। अभी कुछ जगहों पर बिल्कुल वही तारतम्यता है, पर क्रमशः भौतिकता के प्रभाव में, कलयुग के प्रताप से,
थोड़ी कलमशता भी आ गई है, थोड़ी आचरण में दिखावा आडंबर भी आ गया है, पर फिर भी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि राजा अपने राज्य में जो दो वस्तुएं देखकर, स्थितियां देखकर बहुत प्रसन्न होता था, उनमें से एक आती है कि जब ऋषिकुलों से होते हुए कुटियों और आश्रमों की शोभा को देखते हुए राजा प्रमुदित हुए हो करते थे, तो वो उनको अपनी वास्तविक समृद्धि का परिचायक लगता है। जिस राज्य में स्वाध्यायी वेद शास्त्र का, जीवन जीने के मूल्यों का अध्ययन करने वाले, उस प्रकार आचरण करने वाले ऋषियों की और साधुओं की, विद्वत जनों की जितनी प्रचुरता होती है, वो उस राज्य की दीर्घगामी प्रगति के लिए उतना ही बड़ा पैमाना है, उतना ही बड़ा मापदंड है। तो स्वयं वो मनु यहाँ प्रसन्न है कि उनके आश्रम इतने सुंदर थे, भले वे उच्च प्रासाद नहीं थे पर वो इतने सुंदर थे, बिल्कुल सतो गुण की ओर प्रवृत्त करते हुए आश्रमों को देखकर राजा को हृदयगत प्रसन्नता होती है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 28 में तमायांतम अभिप्रेत्य ब्रह्मवर्तात प्रजापतिम गीत संस्तुति वादित्रे प्रत्युदीयु प्रहर्षिता। राजा का आगमन जानकर उसकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मवर्त से बाहर निकल आई और वापस आते हुए अपने राजा का गीतों स्तुतियों तथा वाद्य संगीत से सम्मान किया। आज भी राजनयिकों के स्वागत और विदाई समारोह का आयोजन किया जाता है। आज इसको आयोजित करने के लिए कमेटीज होती हैं। प्रायः प्राचीन काल में इस प्रकार के आगमन और गमन की बेला में प्रजा का ये स्वाभाविक स्नेह होता था अपने राजा के साथ, अपने पालनकर्ता के साथ, क्योंकि राजा स्वयं को भगवान का प्रतिनिधि मानकर यदि शासन कर रहा है तो प्रजा भी स्वयं को भगवान का सेवक, राजा की प्रजा समझ के उनका स्वाभाविक स्नेहपूर्ण स्वागत सत्कार करती थी। तो जब हमने स्कंद एक में द्वारका में भगवान का आगमन और हस्तिनापुर से भगवान का गमन दोनों ही अध्यायों को क्रम से पढ़ा था, 10-11 या 11-12 जिस भी क्रम में है, वो वहां पर हमें इसका परिचय प्राप्त हुआ था किस प्रकार हस्तिनापुर से निकलते हुए नागरिकों ने इतना बेचैनी भरा भाव व्यक्त किया है, जैसे लगे कि उनके हृदय से, उनके शरीर से हृदय निकला जा रहा हो, प्राण निकले जा रहे हो। और द्वारका में जब आगमन होता है तो ऐसा लगता है कि सर्वत्र सामान्य प्रजा से लेकर राज महल में निवास करने वाले बड़े बड़े आत्मीय संबंधियों तक हृदय इतना प्रमुदित हुआ था। तो हमने उसका वर्णन वहां पे सुना था। यहाँ स्वयं वो मनु के लिए लिखा हुआ है ब्रह्मवर्त की राजधानी, क्योंकि लिखा है कि राजा अपनी राजधानी क्यों गए। ब्रह्मवर्त की राजधानी कौन, क्या नाम लिखा है, बर्हिष्मति। श्री प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में बर्हिष्मति के नागरिक सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके सम्राट स्वयंभू मनु का स्वागत अनेकों प्रकार की सजावट से, वाद्य यंत्रों से और स्वयं की उपस्थिति से पुष्प वर्षा करके करने लगे। पढ़ते हैं श्लोक संख्या 29 और 30 को। बर्हिष्मती नाम पुरी सर्व संपत् समन्विता न्यपतन्यत्र रोमाणी यज्ञस्यांगं विधुन्वत कुशाकाशास्त इव आसनश्वद्धरित्वर्चस ऋषयो यः पराभव्य यज्ञध्यान्यज्ञमीजिरे। सभी प्रकार की संपदा में धनी बर्हिष्मति नगरी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भगवान ने अपने आप को 12 रूप में प्रकट किया तो भगवान विष्णु का बाल रोए उनके शरीर से नीचे गिर पड़ा। जब उन्होंने अपना सिर हिलाया तो जो बाल नीचे गिरा हुआ सदैव हरे भरे रहने वाले उन पूछ तथा कान से बदल गया जिनके द्वारा ऋषियों ने भगवान विष्णु की तब पूजा की थी जब उन्होंने यज्ञों को संपन्न करने में बाधा डालने वाले असुरों को हराया था। एक एक स्थान का नाम भारतीय जनमानस में किसी न किसी घटना से संबद्ध है। कानपुर, कर्णपुर है, अनेकों अनेकों नगर है, हम सभी को पता है। और वर्तमान में ये बहुत ही हर्ष का विचार समय है कि कुछ स्थानों को उनके पुराने नामों से पुनर्विभूषित किया जा रहा है। कई लोग इस पर आपत्ति करते हैं, कहते हैं कि क्या आवश्यकता है, ये तो
एकता का परिचय, कि एकता का नहीं बर्बरता का परिचय है, जो हमारे सनातन स्थानों के नामों को बदल दिया गया है, जब जिसने आक्रमण आक्रांता ने अपने आप को व्यक्ति चले जा रहे हैं, इतना पदार्थ पर हमारा ध्यान है कि हम आत्मा को भूल जा रहे हैं। व्यक्ति आक्रमण करता है और स्थान का नाम बदल देता है, स्वयं शरीर छोड़ देगा, वापस उस स्थान को देखने नहीं आएगा, पर मिथ्या दंभ अहंकार का इतना बड़ा परिचायक कि शास्त्रों में वर्णित नाम हमारे बदल दिए जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र से लेकर इंद्रप्रस्थ से लेकर प्रयागराज से लेकर बहुत सारे नाम है ऐसे, बहुत सारे। वर्तमान में लखनऊ के बारे में सुनने आए, उसका नाम भी बदलने की प्रक्रिया है, बहुत आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए हम तो केवल भारत देश के नाम को ऐसे कह रहे हैं, हमारे शास्त्रों में तो पूरे विश्व के स्थानों के नाम का वर्णन है। ऑस्ट्रेलिया वास्तव में अस्त्रालय बताया गया है हमारे शास्त्रों में, लव और कुश का, भगवान राम के शासन काल में लव और कुश का अस्त्रालय हुआ करता था, लाहौर। ये ऐसे अनेक स्थान है जो कि शास्त्रों में वर्णित है। कई बार लोग कहते हैं वेद वेद प्रामाणिक नहीं है, ये शास्त्र प्रामाणिक नहीं है, कुछ कुछ आक्रांता आए या आर्यन आए और उन्होंने नाम बदल दिया या उन्होंने शास्त्रों की रचना कर दी, ये बिल्कुल गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि जो आक्रांता आए हैं उनके ओरिजिनल, उनके मूल स्थान के लोगों के नाम वैसे नहीं है जैसे हमारे शास्त्रों में। 5000 वर्ष पहले की जो बात कही गई है वो हमारे शास्त्रों को लिपिबद्ध करने की बात करने के संदर्भ में की गई है, क्योंकि कलयुग का आरंभ हो चुका था और आचार्यों ने देख लिया था कि अल्प जीवी प्राणी अल्प ज्ञानी भी रहेंगे, बहुत ही कमजोर मेधा शक्ति के रहेंगे। आज से 7 दिन पहले हमने क्या खाया हमें स्मरण नहीं है, आज से एक वर्ष पहले जब तक कि कोई बहुत प्रमुख तिथि ना, हमें स्मरण नहीं रहेगा कि हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो ऐसे में हम श्रुति और स्मृति से शास्त्रों को कैसे धारण कर सकते थे, केवल अपनी स्मृति में श्रवण करके स्मरण रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनको लिपिबद्ध किया जाना था। पर जो स्थान जिन व्यक्ति और पात्रों के नाम है वो आज भी हमारे जनमानस में लोग अपने संतानों के वंश में लोगों के नाम रखते हैं, चाहे अर्जुन हो, आदित्य हो, अभिजीत हो, कर्ण भी नाम रखते हुए देखे गए, नहीं रखते हुए देखे गए तो दुर्योधन और दुशासन। तो ये सब कुछ बहुत प्रामाणिक है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि वारा अवतार प्राकट्य, जिसके बारे में हमने इसी स्कंद में पिछले सत्रों में सुना, जब वो वारा रूप में प्रकट किए अपने आप को, तो उनके रोम रोए जहां गिरे हैं उसको कुशा, वो कुशा और कांत में बदल गए। प्रकृति के हर अवयव में भगवान है, समस्त कारणों के कारण है, कर्ता भी वही है और कारक भी वही है। तो इसलिए जब पूछा जाता है यज्ञ में कुशा को क्यों धारण करते हैं, ऋषिगण कुशा को जो बाल गिरे वो घास के रूप में उगाए, इसी प्रकार लहसुन और प्याज के संबंध में भी कथा आती है कि लहसुन और प्याज बाहरी दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से कई बार स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, पर वैष्णवों के लिए लहसुन और प्याज भी त्याज्य कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही संक्षेप में शास्त्र में वर्णित कथा के अनुसार गाय के खुर और कान है। आज क्योंकि ये प्रसंग है इसलिए आप सबके सामने बहुत संक्षेप में उद्धृत करना चाहूंगी। गाय का खुर हमने देखा है, वो वास्तव में लहसुन का आकार है, और गाय के जो कान है हल्के गुलाबी रंग लिए हुए हल्के गुलाबी आभा के साथ, वो प्याज के छिलके होते हैं। तो एक बार ऋषियों का यज्ञ चल रहा था, सपत्नीक यज्ञ चल रहा था, और ये वर्णन है शास्त्र का, सपत्नीक यज्ञ में ब्राह्मण और ब्राह्मणी का बहुत सारा समूह, कई सारे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जोड़ा यज्ञ कर रहे थे, और उसमें एक गर्भवती ब्राह्मणी, क्योंकि हमारे यज्ञ क्या किए जाते थे, हमारे यहाँ चाहे अश्वमेध यज्ञ हो, चाहे हमारे यहाँ गायों की बलि जिसे कहा जाता है, उसमें क्या होता है, गाय का जो बूढ़ी गाय हो चुकी थी उनकी बलि देके उनको नया शरीर प्रदान किया जाता था। तो गायों की बलि का अर्थ ये था कि गाय खाई जा रही थी या घोड़े खाए जा रहे थे उस यज्ञ विशेष में, उनको पुनर्जीवन देने की पद्धति थी। और उस क्रम में
एक गर्भवती ब्राह्मणी ने, जो क्योंकि गर्भावस्था के समय में से बहुतों का अनुभव है, अनेकों प्रकार की शरीर में रासायनिक क्रियाएं होती है, अनेकों प्रकार के हार्मोन्स चेंज जिसे हम अभी कहते हैं वैसा रहता है, तो उनको कहीं से एक अंदर से इच्छा प्रकट हुई वो कटे हुए शरीर में उसको रसास्वादन करने की। तो उन्होंने जो भाग, और क्योंकि यज्ञ चल रहा था तो उस समय उन्होंने जो भाग लिया कि वो यज्ञ के बाद लेंगी, वो कान और खुर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पर वो उस प्रकार से उन्होंने उठाया, उन्हें लगा कि उन्होंने ये खाया। पर यज्ञ गोधूली के समय तक चला और उसके पश्चात उन्हें लगा कि अब इसके पश्चात वो जो जिस गर्भवती ब्राह्मणी ने जिन्होंने यज्ञ के समय ये दो अंग गौ माता के लिए, उन्हें लगा कि अब कल सुबह वो उसका स्वाद लेंगी, आस्वादन करेंगी, और उन्होंने उसे मिट्टी में डाल दिया, मिट्टी में ऐसे रख दिया। अगले दिन जब यज्ञ पुनः आरंभ हो गया, इस व्यस्तता में उन्हें स्मरण नहीं रहा, और जब यज्ञ संपन्न हो रहा है तो पूरी गाय पुनर्जीवित होती है, लेकिन कान और खुर नहीं मिलते, और अपूर्ण शरीर के साथ यज्ञ पूर्ण नहीं माना जा सकता था। और जो समस्त ब्राह्मण वृंद थे, ब्राह्मणियां थी, क्योंकि सपत्नी के यज्ञ चल रहा था, वो विचलित हो गए कि ऐसी क्या त्रुटि रह गई कि गौ माता पूरे ऐसे पूर्ण शरीर के साथ प्रकट हो रही है। तब ब्राह्मणी का ध्यान जाता है उस पर, और उन्होंने उस विद्वत सभा में स्वीकार किया कि उनके अंदर से इच्छा हुई उसको चखने की, स्वादन करने की, पर वो विस्मरण कर गई, वो भूल गई है, और उन्होंने नहीं किया स्वाद नहीं, कि उन्हें पता है कि ये कहाँ रखे हुए हैं, और उन्होंने मिट्टी में उसे डाल दिया था क्योंकि। तो ब्राह्मणों ने वहां पर विचार किया, ब्राह्मण और ब्राह्मणियों के समूह ने, और उन्होंने सारांश निकाला कि ये माता गर्भवती है, ये स्वयं निर्माण की प्रक्रिया में है, जीवन को सृजन करने के प्रयास में है, और यहाँ पर भी गौ माता का हम पुनः प्रज्ञ के द्वारा प्रयास करते हैं, किसी भी प्रकार से ये किसी श्राप की और किसी भी प्रकार के अपमान की भागी नहीं बननी चाहिए। तो व्यवस्था ये की गई कि ये प्याज और लहसुन बनेंगे, अर्थात कहने का तो ये औषधि के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, पर नियमित सेवन के लिए नहीं। तो सारांश यही है कि जो गाय का खुर था वो लहसुन के आकार का है, और जो कान है वो गाय के कान जो है वो प्याज के रूप में आए, पर ये औषधि के लिए मान्य किए गए हैं। विशेष परिस्थितियों में जैसे प्याज कहीं कट जाता है तो हल्दी के साथ करके लगाने से, अनेकों प्रकार की औषधियां आयुर्वेद में इसकी वर्णित है, पर नियमित सेवन के लिए नहीं स्वीकार की जा सकती, क्योंकि इसका जो स्रोत जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है उसके पीछे ये कथा है। यदि हमें लगे कि लहसुन और प्याज छोड़ना वाले बहुत मुश्किल है, तो शायद ये कथा किसी प्रकार से सहयोगी हो सके। वैष्णवों के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कहीं पर भी लहसुन और प्याज के बने आहार का भोग अर्पित नहीं करना चाहिए, कि मंदिरों में किया भी नहीं जाता है, लहसुन और प्याज इसलिए वर्जित है, ये इसकी सार्वजनिक कथा है। विषय क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर विषय था घास की उत्पत्ति, कुसा की उत्पत्ति। कोई भी यज्ञ करते समय हम उसकी रिंग अंगूठी की तरह बना के जो पहनते हैं और उससे हवि समर्पित करते हैं यज्ञ में, तो उसकी भी उत्पत्ति, क्योंकि वो स्वयं भगवान के रोम क्षित्रों से प्रकट हुए घास और कुशा और घास। तो यज्ञार्थ कर्म जब हम करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्वयंभू अपनी प्रिय पुत्री को कर्दम ऋषि को देके आए हैं, तो प्रजा ने स्वागत सत्कार के रूप में अलग अलग बहिष्मती नगरी में विशेष उत्सव ऋषियों और साधुओं द्वारा संपन्न किए जा रहे थे। राजा के आगमन के इस समाचार से और देवहूति को योग्य वर मिल गया इस शुभता के समाचार से। श्लोक संख्या 31 को देख लेते हैं। कुशकाशमयं बर्हि आस्तिर्य भगवान मनो अयजत यज्ञ पुरुषम लब्धा स्थानम यतो भुवम। मनु ने कुश तथा कांस की बनी आसनी बिछाई और श्री भगवान की अर्चना की, जिनकी कृपा से उन्हें पृथ्वी मंडल का राज्य प्राप्त हुआ था।
और यदि हम विषय सूची में जाए, क्योंकि हमने विषय सूची की के क्रमबद्ध तरीके से हम ये अध्ययन कर रहे हैं, श्लोक संख्या 28 से लेकर 49 तक का ये जो विषय है, ये मनु के दिव्य शासन के बारे में बताया गया है कि इतने इतने प्रतापी राजा के जीवन में इतनी सच्चरिता है, आचरण की इतनी श्रेष्ठता है कि पत्नी कोई साधारण पति के पास नहीं गई है, पत्नी के रूप में उनकी पुत्री देवहूति, और जो वर प्राप्त हुए करता वो साधारण नहीं है, भगवान उनके घर में आने वाला है। तो उन मनु का शासन इतना दिव्य है, प्रजा उनसे इतनी प्रसन्न है, इसका वर्णन है। तो श्लोक संख्या 31 में उसी क्रम में लिखा हुआ है कि मनु ने प्रजा के प्रति, परमपिता परमेश्वर के प्रति, समस्त प्रकृति के अवयवों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की कि वो इस प्रकार के कार्य को, इस पूरे वैभव को, इस पूरे राज्य को, भगवान की दी हुई संपत्ति, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद समझकर कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अपने आप को सदैव भक्ति में तल्लीन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि यद आचरति श्रेष्ठ है, जैसा महान पुरुष आचरण करते हैं अध्याय 3 में भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, वैसा ही सामान्य जन उसका अनुपालन करने लग जाते हैं। तो विशेषकर उच्च पदों पर आसीन जो लोग हैं उनके लिए मनु ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार समस्त ऐश्वर्य का सदुपयोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा, जिस राज्य के राजा का, आज के इस वर्तमान संदर्भ में राजनयिक का, राजनेता का आचरण सच्चरित्रता से युक्त होता है, वो राज्य और उसकी प्रजा स्वतः सामर्थ्य को प्राप्त करती है, ये कर्मयोग का विधान है। तो क्योंकि राजा यहाँ पर अतीव धर्मात्मा है, इसलिए ये राज्य जो तथाकथित भौतिक ताप है उससे भी अपने आप को एक न्यूनतम स्तर पर रखा हुआ है, अर्थात इतना प्रभावित नहीं है। इस प्रकार मनु के द्वारा ये उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है कि एक राजा के रूप में उनके उत्तरदायित्व तो कब, क्या, कैसे, किस प्रकार निर्वहन किए जाने चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 32 में बर्हिष्मतिम नाम विभुर्या देवे निर्विश्य समावसत तस्याम प्रवृष्टो भवनम तापत्रय विनाशनम। जिस बर्हिष्मति नगरी में मनु पहले से रहते थे उसमें प्रवेश करने के पश्चात वे अपने महल में गए जो सांसारिक त्रय तापों को नष्ट करने वाले वातावरण से परिव्याप्त था। इसी धरती पर त्रिलोक का सुख और दुख जीव भोग सकता है। यदि शास्त्रों का अनुपालन है जीवन में तो सुख ही सुख है, और यदि शास्त्र की विमुखता है, शास्त्र के विपरीत आचरण है तो दुख ही दुख है। तो कहने के लिए बर्हिष्मति भूमंडल पर है, पर सांसारिक त्रय तापों को नष्ट करने वाले वातावरण से युक्त है। किस प्रकार के त्राप होते हैं, कौन से 3 त्राप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, जिसे हम आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक कहते हैं। स्वयं से कष्ट, स्वयं के मन बुद्धि अहंकार का कष्ट, परिजनों का, संबंधियों का, वातावरण में आसपास रहने वाले लोगों का आदि भौतिक कष्ट और आदि दैविक कष्ट, अनेकों प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं। जो भगवान की शरण में रहता है, मनुष्य जीवन की सार्थकता को शास्त्रों के आदेश का पालन करके साधता है, उसके जीवन में कृष्ण भावना अमृत के प्रसारित होने की वजह से, आध्यात्मिक वातावरण के उत्पन्न होने की वजह से, ये तीनों तापों से निश्चित रूप से दूरी बनी रहती है। ये तीनों ताप ऐसे व्यक्ति से दूर रहते हैं। तो मनु के लिए ये कथन यहाँ पर चरितार्थ हुआ है कि मनु का महल ऐसा है कि तीनों ताप से वो रहित है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर श्रेष्ठता अनुकूल आचरण ही किया है। श्लोक संख्या 33 में सभार्य स प्रजा कामान बुभुजे अन्य विरोधत संगीय मान सत्कीर्ति सस्त्री भी सुर गायक प्रत्युष्व अनुबद्धेन हृदय श्रण्वन् हरे कथा। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति। गंधर्वगण अपनी भार्याओं सहित सम्राट की कीर्ति का गान करते और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते।
स्वयं मनु और शत्रुपा आगे चलकर वानप्रस्थ की ओर भी। श्रीमद श्री मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, वहां पर वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, कथाओं में ये आता है, प्रसंग है ये, कि स्वयं मनु शरीर रूप में रहते हुए भी सदैव आध्यात्मिकता में निमग्न थे, कृष्ण भावनामृत की पूर्णता को प्राप्त कर चुके थे। वास्तव में मानव जीवन का, मानव समय का, मानव मूल्यों की असली सार्थकता भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक स्वयं को पहुंचाने का ही है। तो स्वयं इन नियमों का पालन कर रहे थे, गृहस्थ जीवन का आनंद उठा रहे थे। प्रातः काल गायक वृंद वाद्य समृद्धि के संगीत उनके साथ समूह रूप में आ जाते थे और भगवान के यश का गान होता था। सम्राट सपरिवार परमेश्वर की लीलाओं का श्रवण करते थे। आज भी वर्तमान समय में भी, अभी कुछ वर्षों पहले तक भी हमने देखा है, वर्तमान में भी है पर बहुत ही छोटे रूप में है, पर कुछ वर्षों तक 100 200 400 साल पहले तक हमने देखा है कि राजे रजवाड़े इस प्रकार के आध्यात्मिक आयोजनों में सपरिवार आनंद उठाते आए हैं। अब उनकी प्रासंगिकता किसी और अर्थ में नियुक्त हो चुकी है, पर ऐसा होता आया है। वास्तव में अगर ध्यान रखें तो हर राजमहल का भी अपना एक मंदिर होता था। वृंदावन में तो आज से कई 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 दशकों पूर्व एक महाराज ने कथा की थी और उन्होंने इस विषय में कहा था कि लंदन में 5000 सिनेमा घर है, उस समय की बात है, आज से 3 दशक पहले की, और वृंदावन में ठाकुर जी के 5000 मंदिर है। आध्यात्मिकता का तो ये हमारे यहाँ वर्णन रहा है। तो स्वयं का मंदिर है, स्वयंभू मनु का स्वाभाविक रूप से जहाँ भगवान विराजमान है, प्रथम प्रातःकालीन पूजा होना, मंगला आरती जिसे हम कहते हैं, अनेकों क्रम के अनुसार आरती का उत्सव होना, शंख बजाना, पुष्प अर्पित करना, झलमल उनको मोरपंख की हवा मिलती रहना, ये बिल्कुल जैसे शरीर रूप में दिव्य शरीर है भगवान का, लेकिन भक्तों द्वारा उनका इस प्रकार वंदन होता रहा है, अभी भी हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के तो प्रत्येक मंदिर में हो रहा है, प्रत्येक सेंटर में हो रहा है, और श्रील प्रभुपाद यह तात्पर्य में वर्तमान का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि जयपुर नरेश के महल के भीतर जो मंदिर बना हुआ है उसमें जनता को प्रवेश है और किसी भी आरती के समय वहां 500 भक्त मिलते हैं, कम से कम 500 भक्त वहां रहते ही रहते हैं, चाहे वो मंगल रात्रि का उत्सव हो, चाहे कोई विशेष आयोजन का अवसर हो। तो ये वर्णन इसलिए है क्योंकि इससे हमें इस बात की सूचना मिलती है, इस बात की पुष्टि होती है कि मंदिरों का निर्माण हमारे यहाँ कोई किसी भी प्रकार का पिछले स्तर का प्रयास नहीं है। शारीरिक, कई बार लोग कहते हैं मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दिया जाए, वास्तव में शारीरिक रोगों की तो फिर भी पहचान जरूरी है, उनको तो हम हॉस्पिटल में फिर भी ठीक कर सकते हैं, पर मानसिक रोगों की दवा किसी के पास नहीं। दुनिया में जो हॉस्पिटल्स है भी मानसिक रोगी क्योंकि वो इतने क्रूरतम तरीके से डील करते हैं और सिर्फ शरीर की बाहरी सतह तक ही केवल उनका परिचय है, आत्मा प्रसन्नता सच्चरिता हृदय की शुद्धता संतृप्ति संतुष्टि प्रतीक्षस्व, ये ऐसे शब्द हैं जिनका कहीं कोई अनुभव और परिचय आज के वर्तमान उसमें, यदि आध्यात्म नहीं है तो बिल्कुल कोई परिचय नहीं प्राप्त हो सकता। तो ये मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का संरक्षित रहना, संवर्धित होते रहना बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। यदि हम अपने आप को, अपनी पीढ़ी को, आगे की पीढ़ी को मानसिक बीमारी लोगों की श्रेणी में नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आगे देखते हैं श्लोक संख्या 34 को, सुंदर श्लोक है, अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय की, क्योंकि यहाँ पर मनु कैसे दिव्यतापूर्ण शासन कर रहे हैं उसका वर्णन है। निष्णातम योग्य मायासु मुनिम स्वायं भुव मनुम यदा भ्रंशयितुम भोगा नाशे कुर भगवत परम। मेरा अनुरोध रहेगा कि यदि आप पूर्ववर्ती जैसे श्लोक हम गाते हैं अच्छे सुर में, उसको गाने का प्रयास करें। यहाँ थोड़ा सा गला खराब है इसलिए किसी प्रकार का अपनों पर जोर ना डालते हुए बहुत ही मध्यम स्वर में आप लोगों के सामने ये प्रस्तुति है आज की। तो लेकिन यदि आप इसको अगर सुंदर भाषा में गाएंगे, जैसा इसको हम हमेशा गाते आए हैं इस मीटर पे, तो अति उत्तम रहेगा।
अगर कोई पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा प्रयास कर सकती हूँ मैं आज के लिए, लेकिन जो प्रतिदिन के श्रोता है उनको पता है कि इसको बहुत सुंदर स्वर में गाया जा सकता है। तो एक प्रयास करते हैं एक श्लोक के लिए, अन्य श्लोकों को हम ऐसे ही रखेंगे आज के लिए। निष्णातम योग मायासु मुनिम स्वायं भुवं मनुम यदा भ्रंशयितुं भोगा नाशे कुर भगवत परम। तो आप इस प्रकार से गा सकते हैं, इस प्रकार स्वयं भुव मनु साधु सदृश राजा थे, भौतिक सुख में लिप्त रहकर भी वे निम्न कोटि के जीवन की ओर आकृष्ट नहीं थे, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावनामृत के वातावरण में भौतिक सुख का भोग कर रहे थे। तो राजसी सुख यहाँ स्वयं की प्रसन्नता के लिए ना होकर प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद स्वरूप विग्रह जो है उनकी प्रसन्नता के लिए किया जा रहा था। तो राजा के द्वारा ऐसा आचरण दिखाया जा रहा है जो स्वयं साधु के समान है, चाहे राज्य हो या घर हो वहां कृष्ण भावनामृत का वातावरण था, और इसलिए सभी विविध विभिन्न प्रकार के घरेलू देवी देवताओं की पूजा स्तुति की बहुत ज्यादा संस्कृति न करते हुए, कर्मकांड पर बहुत अधिक बल ना देते हुए राजा द्वारा पूरे राज्य में शास्त्रोक्त विधि से देव पूजा के द्वारा कृष्ण भावनामृत का वातावरण प्रस्तुत किया गया है। तो इसका स्वयं जो इनिशिएशन है, जो आरंभ, जो प्रस्तुतिकरण है, वो स्वयंभू मनु द्वारा किया गया है, जिससे प्रजा समझे। जैसे हम कई बार हम आसपास देखते हैं किसी के घर में हमें सभी प्रकार की समृद्धि दिखे, सच्चरित्रता दिखे, शांति दिखे, संबंधों में स्नेह दिखे, तो हम कहें ऐसा क्या है इनके पास। और जब हमें पता चलता है कि ये सतत 16 माला का जाप कर रहे हैं, भगवान के चरित्र का श्रवण करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो एक स्वाभाविक सी रुचि जागृत होती है कि वास्तव में भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की सेवा करने से जीवन में सभी प्रकार के कष्टों, क्लेशों से, तापों से एक सुरक्षा चक्र बन जाता है जो हमारी रक्षा करता है। तो यदि हम मनुष्य हैं, विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता युक्त जीवन जीने की आकांक्षी हैं, तो ये निश्चित रूप से हमें प्रेरित करेगा कि हम भी कृष्ण भावनामृत की तरफ आकर्षित हो। तो प्रभुपाद ने यही कहा था कि ये जो कृष्ण भावनामृत चेतना है ये बुद्धिमान मनुष्यों के लिए है, जो अपना लाभ समझते हैं, जो शीघ्र लाभ के आकांक्षी होते हैं वो इस जन्म में इंश्योरेंस कराते हैं और इस जन्म के लाभ के बारे में देखते हैं कैसे अधिक पैसा बना सके, कैसे अधिक संबंधी बना सके, कैसे नेटवर्क कनेक्शन बना सके। लेकिन जो जो दीर्घकामी लाभ की आकांक्षी है वो निश्चित रूप से इस जीवन के बाद के जीवन में भी श्रेष्ठता कैसे प्राप्त कर सके उसके प्रति आकर्षित होंगे। और ये श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम उन प्रकार के प्राणियों को और प्रेरित करने के लिए। तो राजा अपने व्यवहार से, अपने आचरण से वो प्रेरणा सर्वत्र फैला रहे हैं। इसके पश्चात श्लोक संख्या 35 में अयात यामास्तस्य संयामा स्वांतर स्व अंतर यापना। इस पंक्ति को पुनः देखते हैं। अयात यामा तस्यासन यामा स्वांत यापना श्रण्वतो ध्यायतो विष्णु पूर्वतो ब्रुवत कथा। फलतः धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंचाया, किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मन्वंतर कल्प से युक्त है व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वे सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण, चिंतन, लेखन तथा कीर्तन में व्यस्त रहे। तो स्वयंभू मनु के जीवन के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस प्रकार जीवन यापन करते हुए स्वयंभू मनु का के जीवन का अंत आ गया, क्योंकि वो मन्वंतर आ रहा था, एक मनु से दूसरे मनु तक स्थानापन्न होना था जीवन का, लेकिन उनका प्रत्येक क्षण नीरस, व्यर्थ या कष्टकारक नहीं रहा, अपितु ताजगी युक्त रहा, स्वादिष्ट भोजन की तरह सदैव ताजगी से युक्त रहा, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावना भावित है। आप वृद्ध वृद्ध वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर, द्वारका, अयोध्या, इन स्थानों में जाकर वृद्ध वृद्ध भक्ति योग में लगे हुए साधुओं को देखिए,
जीवन में ऐसी मुक्त प्रसन्नता है कि एक युवा के चेहरे पर वैसी मुस्कान ना दिखे। साधनों के अभाव या प्रभाव से पूर्णतया मुक्त एक बाल सुलभ मुस्कान दिखती है। बहुत से हमारे आसपास ऐसे बहुत से सारे भक्त भी हैं, बहुत से सारे भगवान की सेवा में लगे हुए वरिष्ठ भक्त हैं, जो 30, 35, 40, 50 साल से भक्ति योग में लगे हुए हैं। उनके चेहरे की मुस्कान में कभी थकान नहीं दिखती। ये लोकोक्ति के रूप में है, पर ये बिल्कुल उनके ऊपर 100% लागू होता है, क्योंकि हम सदा किसका ध्यान कर रहे हैं? दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, जो प्रतिदिन नूतन है। ऐसे भगवान का जब हम स्वयं इतना वर्णन करेंगे तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की निरस्ता कैसे आ सकती है। विविध प्रकार से भगवान अपनी कलाओं का, अपने लीलाओं का भक्तों को दर्शन कराते हैं, और भक्त उस रस में इतने सराबोर रहते हैं कि निरस्ता तो कहीं होती ही नहीं है। तो स्वयं वो मनु का जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है, कभी उनका जीवन निरस नहीं हुआ, क्योंकि वो सदैव भगवान विष्णु का जब ध्यान करते हुए महानतम योगी की श्रेणी में रहे। और जैसा कि हमें पता है कि एक मनु की आयु 43,20,000 वर्षों के तुल्य है। 71 युग जो हमारे ये कहे जाते हैं चतुर्युग की, जिनकी बात की जाती है, और ब्रह्मा जी के एक दिन के भीतर 14 मनु आते हैं। तिरालीस लाख बीस हजार बड़े 71 वर्ष एक मनु का जो जीवन काल हुआ, उस जीवन काल तक स्वयंभू मनु सदैव प्रसन्न चित्त है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या महिमा है। अंतिम दो श्लोकों में मनु के जीवन काल का वर्णन करते हुए कहा गया है, स एवं स्वांतरम निन्ये युगानामेक सप्तितम वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रय। उन्होंने निरंतर वासुदेव का ध्यान करते और उन्हीं का गुणानुवाद करते 71 चतुर्युग, तो चार चतुर्युग या एक दिव्य युग जिसे हम कहते हैं, चार युगों का सतरजतम, क्षमा कीजिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरे किए। इस प्रकार उन्होंने तीनों लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। स्वयंभू मनु का ये जीवन काल है 71 चतुर्युग पूरे 43,20,000 वर्ष की बात करी है, क्योंकि एक चतुर्युग में 4,32,000 का कलयुग होता है, 8,40,000 का द्वापर, 12,86,000 का त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग। तो 17, 12, 8, 4 इनकी संख्याओं के साथ जो हम जोड़ते हैं तो 43,20,000 वर्ष आते हैं, और ऐसे 71 चतुर्युग उन्होंने पार किए। तो ये जीवन काल समस्त प्रकार आत्म साक्षात्कार प्राप्त सतगुण से ऊपर उठकर शुद्ध अवस्था में विद्यमान है स्वयं भू मनु। उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भी कोई उन्हें परवाह नहीं थी, क्योंकि वो ब्रह्मभूत अवस्था पर विद्यमान। इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जब हम सदा जीवन पर्यंत, मनु अपने उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा नहीं कि अंतिम समय में भगवान का नाम लेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी। यदि जीवन भर हमने भगवान का नाम लिया है तभी अंतिम समय भगवान का नाम ले सकते हैं। इसलिए सतत अभ्यास की चतुर जो भगवत गीता के चतुर श्लोक है, जिसे चतुर श्लोकी भगवत गीता कहते हैं, उसमें कहा है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, बहुत ही सरल शब्द है, सबका अर्थ हमें पता है, पर सतत शब्द महत्वपूर्ण है। तो मनु ने अपने जीवन से दिखाया कि वो सतत आचरण करते रहे। एक बार लोग पूछते हैं, अगर किसी ने जीवन भर भगवान का नाम लिया और अंत में मान लीजिए क्षण के अंदर मृत्यु हो जाए किसी एक्सीडेंट में, जहां भगवान का नाम लेने का, जहां वैसा भगवत माहौल उपस्थित करने का अवसर ना रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों की क्या गति होती है? श्री प्रभुपाद आश्वस्त करते हैं, यदि जीवन भर भगवान का नाम लिया है तो अंतिम क्षण की जिम्मेदारी स्वयं भगवान उठाते हैं। हमने अपना प्रयास किया है विश्वास रखते हुए, तो जो सबके विश्वास को धारण करने वाले हैं, जिनके लिए विश्वास किया, जिनके ऊपर विश्वास किया, उनको आना ही पड़ता है। और अगर सामान्य अवस्था में मृत्यु को हम प्राप्त होते हैं, वैसे भी ये स्थान हमारे लिए है ही कितने समय के लिए, कलयुग के लिए तो संख्या और भी कम है, 100 वर्ष तो सिर्फ कागज पर कहने वाली संख्या है। 100 वर्ष तक जो जीवित रह जाए उनके लिए तो अतिशय भाग्य, 50, 60, 70 किसी भी समय मृत्यु आ सकती है। इतने कम समय के लिए ही तो भगवान का ध्यान करना है। ये हमारे लिए एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह होना चाहिए, पर्यटन स्थल की तरह होना चाहिए, एक ऐसी यात्रा की तरह होना चाहिए जहां हमें पता है कभी भी समाप्त हो सकती है।
हर क्षण तैयार रहना चाहिए, हर श्वास में भगवान का नाम लेना चाहिए। इतनी जीवन में प्रबुद्धता आ जाएगी कि हमारी शरीर से इस प्रकार की तरंगें निकलेंगी कि जो उस जैसे चुंबकीय आकर्षण होता है, जो इस प्रभाव में आएगा उसके अंदर भगवान के नाम के लिए रुचि हो जाए, भगवान की कथा सुनने की रुचि हो जाए। शास्त्र में लिखे इस ज्ञान को यदि हम विश्वास करें तो पढ़ने के लिए समय कम लगता है, ये जीवन इतना छोटा है। स्वयंभू मनु अपने आचरण से हमें जीवन के इस बहुमूल्य सार्थक उद्योग में रमने का अवसर प्रदान करते हैं। अंतिम श्लोक है आज के सत्र के लिए। शारीरा मनसा दिव्या व्यासे ये च मानुषा भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संशयम्। अतः हे विदुर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरणागत है, भला वे किस प्रकार शरीर मन प्रकृति अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकते हैं। मैत्रेय मुनि यहाँ पर विदुर के माध्यम से समस्त प्राणियों को कह रहे हैं, निश्चंक रहो, आश्वस्त रहो, भगवान के कार्य क्षेत्र में स्वयं को प्रवृष्ट रखो। क्यों? क्योंकि जो भगवान के शरणागत है वो ना शरीर से, ना मन से, ना प्रकृति से, ना किसी अन्य मनुष्य और जीवित प्राणियों से संबंधित कष्ट से अपने आप को लंबे समय तक रख पाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की शरण में है, तो भगवान निश्चित रूप से उसको देखते ही देखते हैं। तत्पश्चात तो यहाँ पर मनु की गति के बारे में यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जाए, तो हमारे लिए जो श्लोक है ग्रहण करने के लिए, यह पृष्टो मुनि भी प्राय धर्मान्नाना विधा क्षुभान नृणाम वर्णाश्रमाणाम च सर्वभूत हित सता। कुछ मुनियों के पूछे जाने पर उन्होंने, किन्होंने? स्वयं हुआ मनु ने समस्त जीवों पर दया करके मनुष्य के सामान्य पवित्र कर्तव्यों तथा वर्णों और आश्रमों का उपदेश दिया है। तो स्वयं वो मनु जो प्रथम कल्प में उपस्थित हुए हैं, उन्होंने जो उपदेश दिया है उसके लिए क्या कहा गया, उसके लिए जीवों पर दया करके दिया है। श्री प्रभुपाद ने यहाँ किसी अतिरिक्त तात्पर्य का उल्लेख नहीं किया है, अपितु श्लोक संख्या 39 में कहते हैं, एतत् आदिराजस्य मनुश्चरितम् अद्भुतम् वर्णितम् वर्णनीयस्य तदपत्योदयम् शृणु। मैंने तुमसे आदि सम्राट स्वयंभू मनु के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, उनकी ख्याति वर्णन के योग्य है, अब ध्यान से उनकी पुत्री देवहूती के अभ्युदय का वर्णन सुनो। तो मनु इस प्रकार से अपनी गति को प्राप्त करते हैं। देवहूती का प्रसंग यहाँ इस स्कंद 3 के अंत तक देवहूति और उनके आगे की वंश परंपरा में जो हमारे लिए अत्यधिक महत्व के अध्याय हैं उनका वर्णन किया गया है। इस प्रकार ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, देवहूति के साथ किस प्रकार से आगे कर्दम मुनि व्यवहार करते हैं और उसका क्या परिणाम होता है, हम मनुष्यों को सीखने के लिए क्या है, इन सबको हम अध्याय 23 में, जिसका नाम है नाम बहुत ही रोमांचक है, देवहूति का शोक। तो अध्याय 23 हम लोग अगले सत्र में श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 22 में देवहूति और कर्दम का परिणाम नाम जो हमने अभी श्रवण किया, अध्याय 23 का नाम आ जाता है देवहूति का शोक। तो वो तनिक दीर्घ अध्याय है, हम श्री प्रभुपाद की अनुकंपा से, वैष्णवों के अनुग्रह से, भक्तों के परस्पर सानिध्य में अगले सत्र में स्कंद 3 अध्याय 23 को, आज के लिए सत्र को यही पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।